अस्सलाम वालेकुम बेटा, आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम जी, मैम आ रही है। जी, हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डिफरेंट डिजीजेस ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट, हमने पढ़ा था प्लूरल इफ्यूएंस के बारे में, उनके डिफरेंट टाइप्स के बारे में, इन्वेस्टिगेशंस एंड मैनेजमेंट। टुडे वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम एम्पायमा। वी आर गोइंग टू स्टडी एम्पायमा। Empyema is a collection of pus within a naturally existing cavity which is present naturally inside our body. अगर artificially created cavity में pus accumulation, pus collection होगी तो उसे abscess बोलेंगे। If the cavity is not present naturally inside our body and there is an infection and there is collection of pus, the cavity is not present naturally in our body, then it will be called abscess. Abscess. And if the pus collection is inside a naturally existing cavity, for example pericardial cavity, pleural cavity, peritoneal cavity, अगर इनमें pus collection होगी तो हम उनको empyema बोलेंगे। ठीक है जी, तो इसकी क्या different? So now you clearly understand the difference between empyema and an abscess. This is your viva question as well. What is the difference between empyema and abscess? Abscess जो है वो artificially डिजीज की वजह से जो कैविटी क्रिएट होती है उसमें कलेक्शन ऑफ पस जब होती है तो उसको हम एब्सेस बोलते हैं। एम्पायमा भी पस कलेक्शन ही है विद इन अ कैविटी, बट दैट कैविटी एग्जिस्ट्स नेचुरली। फॉर एग्जांपल जो जो प्लूरल कैविटी में पस कलेक्शन है इसको एम्पायमा बोलते हैं। तो ये इन्फेक्शन ने ये कैविटी नहीं बनाई, ये कुदरती तौर पर हमारी बॉडी में प्लूरल कैविटी मौजूद है, तो जब इसमें पस कलेक्शन होगी तो हम उसको एम्पायमा या प्लूरल एम्पायमा बोलेंगे। ठीक है जी, अब इसकी कॉजेज की तरफ आ जाते हैं। नंबर वन कॉज कैन बी रक्चर ऑफ अ लंग एब्सेस इनटू द प्लूरल कैविटी। लंग में एब्सेस बना, अब एब्सेस में आपको पता है कि एब्सेस रक्चर भी हो सकता है। तो व्हेन द लंग एब्सेस रक्चर्स इनटू द प्लूरल कैविटी एंड द प्लूरल कैविटी कंटेन्स पस, देन इट विल बी द एम्पायमा ड्यू टू रक्चर ऑफ लंग एब्सेस। लंग एब्सेस बना, प्लूरल कैविटी में रक्चर हुआ, एम्पायमा हो गया। इसके अलावा सीवियर नमोनिया हुआ, नमोनिया क्या था? इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ द पल्मोनरी टिश्यू, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग टिश्यू। तो सीवियर इन्फेक्शन हुआ, पैरानिमोनिक इफ्यूजन्स भी उसमें बन सकती हैं, वो बनी। और वो पैरानिमोनिक इफ्यूजन्स जो हैं उनका अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो दैट विल लीड टू एम्पायमा, पस कलेक्शन इन टू द प्लूरल कैविटी। इसके अलावा टूबरक्लोसिस का जो एब्सेस है, हमने पढ़ा था टूबरक्लोसिस में कि कैविटीज़ बनती हैं, चीज़ी मटेरियल जो है वो एक्यूमुलेट होता है। तो टूबरकुलस एब्सेस जो है, इफ दैट विल रप्चर इन टू द प्लूरल कैविटी देन इट विल रिजल्ट इन टू एम्पायमा। सो ये इसकी जो है वो प्रोमिनेंट कॉजेज ऑफ एम्पायमा ये सब हो सकती है। और इसको जो है, इसमें सिम्टम्स क्या होंगे कि हम पेशेंट को नमोनिया का पेशेंट है या टूबरक्लोसिस का पेशेंट है या जो है वो किसी तरह की लंग एब्सेस का पेशेंट है और उसको हम एडिक्वेट एंटीबायोटिक थेरेपी भी दे रहे हैं, लेकिन पेशेंट का पायरेक्सिया यानी कि फीवर जो है वो सेटल नहीं हो रहा, तो हमें एम्पायमा के बारे में सोचना चाहिए और हमें चेस्ट एक्सरे कराना चाहिए सो एज टू लुक एज फॉर प्लूरल इफ्यूजन। क्योंकि चेस्ट एक्सरे के ऊपर, अल्ट्रासाउंड के ऊपर ये जो एम्पायमा है, कलेक्शन ऑफ पस इन द प्लूरल कैविटी, इट विल लुक लाइक प्लूरल इफ्यूजन, ये प्लूरल इफ्यूजन की तरह ही नजर आएगी। जब हम उसको एस्पिरेट करेंगे तो फिर वो पस होगी, तो फिर हमें हमारा डायग्नोसिस जो है वो कन्फर्म होगा कि ये तो एम्पायमा था। ठीक है, इसके अलावा पायरेक्सिया सेटल नहीं हो रहा डिस्पाइट ऑफ गिविंग एडिक्वेट प्रॉपर सूटेबल एंटीबायोटिक कवर, उसके बावजूद जो है वो पायरेक्सिया फीवर पेशेंट का सेटल नहीं हो रहा। इसके अलावा राइगर, स्वेटिंग, मलेज, वेट लॉस, ये किसी भी एब्सेस की या किसी भी इन्फेक्शन की या किसी भी इन्फ्लेमेशन के जनरल साइंस होते हैं बॉडी के ऊपर, ये सब होंगे। अगर हम पेशेंट का CBC कराएंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट, तो उसमें हमें ल्यूकोसाइटोसिस मिलेगा विच इज़ इक्वल टू रेज्ड WBC वाइट ब्लड सेल काउंट, जिसको ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। ल्यूकोसाइटोसिस रेज WBC काउंट, ल्यूकोपीनिया डिक्रीज्ड WBC काउंट, ल्यूकोसाइटोसिस इंक्रीज्ड रेज्ड WBC काउंट, ल्यूकोपीनिया डिक्रीज्ड WBC काउंट। और इसके अलावा हमें प्लूरल इफ्यूजन में जो साइन मिले थे वो क्या साइन मिले थे हमें? हमें परकशन नोट जो है वो इंटरकॉस्टल स्पेस पे हमने परकस किया था प्लूरल इफ्यूजन में, तो इफ्यूजन के ऊपर हमें परकशन नोट डल मिला था जो कि नॉर्मल रेजोनेंट मिलता है, क्योंकि नॉर्मल लंग्स में
एयर होती है, तो हम जब इंटरकॉस्टल स्पेस पे ओवर द लंग्स हम परकस करते हैं तो नॉर्मल लंग में हमें परकशन नोट रेजोनेंट मिलता है क्योंकि लंग्स में एयर होती है। एब्डोमन के ऊपर भी जब हम परकस करते हैं तो हमें नॉर्मल परकशन नोट रेजोनेंट मिलता है क्योंकि इंटेस्टीन में एयर होती है। लेकिन इन दोनों जगहों पे अगर कोई फ्लूइड या पस कलेक्शन होगी तो वी विल हैव द परकशन नोट डल, स्टोनी डल। अच्छा जी, तो क्लिनिकल साइंस ऑफ प्लूरल इफ्यूजन हमें मिलेंगे कि परकशन नोट हमें स्टोनी डल मिलेगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड अंडरनीथ। अब नीचे जो है लंग्स में वो एयर नहीं है, अब नीचे जो है वो पस है या फ्लूइड है प्लूरल इफ्यूजन में या पस है एम्पाइमा में, तो हमें परकशन नोट जो है वो डल मिलेगा। रेस्पिरेटरी मूवमेंट जो है वो हमें कम मिलेंगी, रेस्पिरेटरी साउंड्स जब हम सुनेंगे स्टेथोस्कोप से तो वो भी हमें या तो कम मिलेंगी, कम सुनाई देंगी, उनकी इंटेंसिटी डिक्रीज हुई भी होगी, या फिर वो सिरे से सुनाई नहीं देंगी। तो ये सारे क्लिनिकल साइंस ऑफ प्लूरल इफ्यूजन थे, ये भी हमें मिलेंगे। और इसके अलावा जो अंडरलाइंग डिजीज है, विदर इट इज लंग एब्सेस, विदर इट इज ट्यूबरक्लोसिस, विदर इट इज नमोनिया एटसेट्रा एटसेट्रा, तो उनके जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं वो भी हमें मिलेंगे। दैट कैन बी कफ, दैट कैन बी फीवर, दैट कैन बी कफ प्रोडक्टिव ऑफ स्पूटम एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सारी चीज़ें भी हमें, चेस्ट पेन, ठीक है, और ये सारी चीज़ें भी हमें मिल सकती हैं। सो क्लिनिकल साइंस विल बी पायरेक्सिया, जो कि एडिक्वेट एंटीबायोटिक कवर के बावजूद सेटल नहीं हो रहा, राइगर्स, चिल्स, मलेस, वेट लॉस, इन्फेक्शन में, ठीक है, ल्यूकोसाइटोसिस, इंक्रीज WBC काउंट, क्लिनिकल साइंस ऑफ प्लूरल इफ्यूजन, कफ एंड स्पूटम यूजुअली ड्यू टू अंडरलाइंग डिजीज। तो ये सारे क्लिनिकल फीचर्स होंगे एम्पाइमा के, और जब एक्सरे हम कराएंगे तो पिक्चर क्लियर हो जाएगी, हमें इस पर प्लूरल इफ्यूजन मिलेगी, और जो है वो हम इसको एस्पिरेट करने का डिसीजन करेंगे, वी विल डू एस्पिरेशन ऑफ पस, ठीक है। तो वो हम कहाँ से करेंगे, 6th, 7th, 8th इंटरकॉस्टल स्पेस, मिड एक्सिलरी लाइन, मिड एक्सिलरी लाइन 6, 7, 8 इंटरकॉस्टल स्पेस में हम नीडल इंसर्ट करके अल्ट्रासाउंड गाइडेड प्रोसीजर होगा ये। एक अल्ट्रासाउंड करते हुए उस नीडल को देखते हुए हम डालेंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम लंग को पंक्चर करें और न्यूमोथोरिक्स कर दें, ठीक है। न्यूमोथोरिक्स क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे। सो एस्पिरेशन ऑफ पस विल कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ एम्पाइमा, उस पस की जो है वो कल्चर एंड सेंसिटिविटी कराएंगे सो दैट कि हम देख सकें कि जो एंटीबायोटिक कवर हम दे रहे हैं उसको बैक्टीरिया कॉजिंग एम्पाइमा सेंसिटिव भी हैं या नहीं, अगर सेंसिटिव नहीं है तो हम चेंज भी कर सकते हैं। सो मैनेजमेंट में डिपेंड्स अपॉन द कॉज, अगर टुबरकुलस एम्पाइमा है तो फौरन से पहले एंटी टुबरकुलस थेरेपी, ATT, एंटी टुबरकुलस थेरेपी, ATT, एंटी टुबरकुलस थेरेपी इज कॉल्ड ATT एज एब्रीविएशन, स्टैंडर्ड एब्रीविएशन है ATT, एंटी टुबरकुलस थेरेपी, इसको फौरन स्टार्ट करेंगे। और इसके अलावा पेशेंट को चेस्ट ट्यूब डाल देंगे ताकि जो टुबरकुलस चीजी मटेरियल एम्पाइमा का बन रहा है वो ड्रेन होता रहे कुछ दिन तक, यहाँ तक कि ड्रेन जो है वो नॉन प्रोडक्टिव हो जाएगा, तो फिर हम उसे निकाल देंगे। फर्दर इज अ पैरानमोनिक इफ्यूजन, इट यूजली पैरानमोनिक इफ्यूजन इफ्यूजन जो नमोनिया के साथ बनती हैं वो आमतौर पे जो हम एंटीबायोटिक कवर दे रहे होते हैं उसको रिस्पॉन्ड करती हैं, यानी कि उसकी वजह से एंटीबायोटिक कवर से पैरानमोनिक इफ्यूजन जो हैं वो खुद ब खुद डिजॉल्व हो जाती हैं। लेकिन बाज़ोकात ऐसा नहीं होता तो हमें फिर एस्पिरेट करने का डिसीजन करना पड़ता है, अदरवाइज अगर हम डिसीजन नहीं करेंगे तो परमानेंट लॉस ऑफ लंग फंक्शन हो सकता है इन्फेक्शन और फाइब्रोसिस की वजह से। सो टाइमली डिसीजन इज इम्पॉर्टेंट इन मैनेजमेंट ऑफ द पैरानमोनिक इफ्यूजन। अगर एंटीबायोटिक कवर को रिस्पॉन्ड करके 2-3 दिन में रिजॉल्व हो रही है, एक्सरे फाइंडिंग्स बेटर हो रही हैं, प्लूरल इफ्यूजन जो नज़र आ रही है वो कम हो रही है, तो ठीक है, अदरवाइज जो है वो उसको आप अल्ट्रासाउंड गाइडेड एस्पिरेशन कर लें जो कि रेडियोलॉजी में किया जाता है। तो दैट वाज अबाउट एम्पाइमा। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी न्यूमोथोरिक्स। न्यूमोथोरिक्स क्या है, एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ एयर इन द प्लूरल कैविटी। यहाँ पे आप प्लूरल कैविटी देख रहे हैं और डिफरेंट रीजंस हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं न्यूमोथोरिक्स की। न्यूमो मीन्स एयर, थॉरिक्स मीन्स प्लूरल कैविटी, हेयर थोरेसिक कैविटी या प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी में नॉर्मली कोई एयर प्रेजेंट नहीं होती, प्लूरल कैविटी में नॉर्मली कोई एयर जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। तो अगर प्लूरल कैविटी में फ्लूइड होता है 10-20 ml, तो अगर उससे ज़्यादा होगा तो हम कहेंगे प्लूरल इफ्यूजन है। और कोई एयर नॉर्मली कोई एयर प्लूरल जो है वो
प्लूरल कैविटी में प्रेजेंट नहीं होती। अगर प्लूरल कैविटी में जरा सी भी एयर चली गई तो हम कहेंगे ये निमोथॉरिक्स है। ज्यादा एयर चली गई दैट एयर विल एक्सर्ट प्रेशर ओवर द लंग्स और लंग जो है वो कोलैप्स हो जाएगा, डिफ्लेट हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। इसका ये जो एज है हमें एक्सरे पे साफ नजर आएगा जिससे हम डायग्नोसिस निमोथॉरिक्स का बनाएंगे। सो निमोथॉरिक्स एन एब्नॉर्मल कलेक्शन ऑफ एयर इन द प्लूरल स्पेस बिटवीन द लंग एंड चेस्ट वॉल। नॉर्मली देर इज नो एयर इन द प्लूरल कैविटी, नॉर्मली देर इज नो एयर इन द प्लूरल कैविटी। प्रेजेंस ऑफ एयर इन द प्लूरल कैविटी इज ऑलवेज एन एबनॉर्मैलिटी। ठीक है जी। अच्छा अब इसकी आगे से डिफरेंट टाइप्स हैं। स्पॉन्टेनियस जो विदाउट एनी डिजीज होती है, खुद ब खुद होती है, उसमें कोई डिजीज इन्वॉल्व नहीं होती, कोई ट्रॉमा इन्वॉल्व नहीं होता। और दूसरी है सेकेंडरी निमोथॉरिक्स। ठीक है जी, आगे हम इसकी ये टाइप्स पढ़ते हैं, टाइप्स में कॉजेज भी आ जाती हैं। तो सबसे पहले प्राइमरी स्पॉन्टेनियस निमोथॉरिक्स। स्पॉन्टेनियस से आपने समझ जाना है कि इसमें ट्रामा इन्वॉल्व नहीं है, ये खुद ब खुद हुई है। ट्रामा इज नॉट इन्वॉल्व, ट्रामा इज नॉट द कॉज। ट्रामा का क्या मतलब है? ट्रामा टू लंग। लंग जब पंक्चर होंगे तो लंग्स में तो एयर है, तो एयर जो है वो प्लूरल कैविटी में आएगी, तो उसको कहेंगे ट्रॉमेटिक न्यूमोथॉरिक्स, उसको हम कहेंगे ट्रॉमेटिक न्यूमोथॉरिक्स। तो अदरवाइज देर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूमोथॉरिक्स ट्रॉमा के अलावा। प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथॉरिक्स जो कि स्मोकर्स में होती है, टॉल थिन मैन होते हैं एक्सक्लूसिवली इसके पेशेंट, यही होते हैं टॉल थिन मैन 20-40 ईयर्स ऑफ एज इसके दरमियान में इनकी एज रेंज होती है। और एपिकल सेगमेंट्स जो हैं, एपिकल एयर स्पेसिस जो हैं, दे रप्चर इन टू द प्लूरल कैविटी एंड कॉज निमोथॉरिक्स। तो ये तीन चीज़ें हैं स्मोकर्स। ठीक है, स्मोकर होगा, टॉल थिन मैन होगा, 20-40 ईयर्स के एज ग्रुप में होगा, और उसको प्राइमरी स्पॉन्टेनियस निमोथॉरिक्स होगा। ठीक है जी, एक्सक्लूसिवली वो स्मोकर होगा, टॉल थिन मैन होगा, 20-40 ईयर्स की एज ग्रुप में होगा, और उसको प्राइमरी स्पॉन्टेनियस निमोथॉरिक्स हो सकता है, और लोगों को नहीं होता। ठीक है, दूसरी टाइप क्या है? सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस निमोथॉरिक्स, इट इज सेकेंडरी टू अ डिजीज। So, secondary spontaneous pneumothorax, it occurs due to some disease. Disease क्या हो सकती है? Tuberculosis, cystic fibrosis, lung abscess, COPD, asthma. अच्छा, अब इनमें क्या होता है कि COPD और asthma में आपको पता है कि बुली बनते हैं, लार्ज एयर स्पेसिस बनती है इनसाइड द लंग, लंग टिश्यू की डिस्ट्रक्शन हो जाती है ना, तो लार्ज कैविटीज या एयर स्पेसिस बन जाती हैं जिनको कहते हैं बुला। वैसे तो आपने पढ़ा है कि बुला जो है वो एक फ्लूइड कलेक्शन होती है, क्लियर फ्लूइड होता है, और साइज जो है वो उसका 5 mm से जब ज़्यादा हो तो हम उसको बुला कह देते हैं। बुला इज सिंगल और बुली इज प्लूरल। सिंगल को हम बुला कहते हैं और मल्टीपल को हम बुली कहते हैं। तो COPD एंड एस्थमा में एयर स्पेसिस बनती हैं लंग्स के अंदर जिनको कि बुली कहते हैं या बुला कहते हैं। इफ़ इट विल रप्चर इन टू द प्लूरल कैविटी, it will introduce air into the pleural cavity from the lungs and it will cause pneumothorax. Tuberculosis में भी आपको पता है कि lung में cavities बनती हैं, if the cavity will rupture into the pleural cavity it will cause pneumothorax. Cystic fibrosis or lung abscess में भी infection की वजह से air can be introduced. Lung abscess अगर rupture हो जाता है pleural space में, cystic fibrosis में भी severe infection होता है, abscess बन सकता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं secondary spontaneous pneumothorax का cause बन सकती हैं। तो secondary spontaneous pneumothorax क्या है? Spontaneous means trauma involved नहीं है, without trauma खुद ब खुद हुआ है। Secondary means due to a disease हुआ है। Pneumo means air, thorax means pleural cavity. अच्छा जी, प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथॉरिक्स, सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथॉरिक्स, उसके बाद ट्रॉमेटिक न्यूमोथॉरिक्स जो किसी भी प्रोसीजर की वजह से। अब मैं आपको जब से रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा रही हूँ मैं आपसे कह रही हूँ कि आपने जो प्लूरल स्पेस को एस्पिरेट करना है वीदर ड्यू टू एम्पाइमा, वीदर ड्यू टू प्लूरल इफ्यूजन, वो आपने अल्ट्रासाउंड गाइडेड करना है। तो इसका मकसद क्या है कि हम पेनिट्रेटिंग इंजरीज टू द लंग अवॉइड करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी जो नीडल जिससे हम एस्पिरेट करने के लिए डाला है वो लंग को पंक्चर कर दे। अगर उसने लंग को पंक्चर कर दिया तो प्लूरल इफ्यूजन या एम्पाइमा तो है ही है, साथ में न्यूमोथॉरिक्स भी हो जाएगा।
ठीक है जी। तो इट रिजल्ट्स फ्रॉम पेनिट्रेटिंग इंजरीज, कोई गन शॉट इंजरी है या कोई किसी किस्म की पेनिट्रेटिंग इंजरी है इनटू द चेस्ट, जो लंग्स को पंक्चर कर रही है, तो दैट विल कॉज एक्यूमुलेशन ऑफ एयर इन द प्लूरल कैविटी, न्यूमोथोरिक्स। प्लूरल फ्लूइड एस्पिरेट करते हुए लंग को पंक्चर कर दिया, प्लूरल बायोप्सी लेते हुए लंग को पंक्चर कर दिया, ब्रोंकोस्कोपी कर रहे थे, लंग पंक्चर कर दिया, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन की कॉम्प्लिकेशन के तौर पे, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, पेनिट्रेटिंग लंग इंजरीज, हर तरह की, दे कैन कॉज ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरिक्स, न्यूमोथोरिक्स ड्यू टू ट्रॉमा टू द लंग्स। अच्छा जी, इसके अलावा एक स्पेशल टाइप है टेंशन न्यूमोथोरिक्स, एक और स्पेशल टाइप है न्यूमोथोरिक्स, टेंशन न्यूमोथोरिक्स। दिस इज योर वाइवा क्वेश्चन, व्हाट इज टेंशन न्यूमोथोरिक्स, दिस इज योर वाइवा क्वेश्चन, टेंशन न्यूमोथोरिक्स। तो टेंशन न्यूमोथोरिक्स जो है, इट इज अ स्मॉल, इसमें क्या होता है कि ये जो बाकी सारे न्यूमोथोरिसेस हैं, इसमें क्या होता है कि एयर अगर इंस्पिरेशन में प्लूरल कैविटी के अंदर जा रही है, तो एक्सपिरेशन में कुछ ना कुछ बाहर भी जा रही है। लेकिन टेंशन न्यूमोथोरिक्स में क्या होता है कि ओपनिंग जो न्यूमोथोरिक्स कर रही है, लंग का जो पंक्चर जो न्यूमोथोरिक्स कर रहा है, वो बड़ा स्मॉल पंक्चर है, वो बड़ा स्मॉल कम्युनिकेशन है बिटवीन द लंग एंड प्लूरा। तो उससे बस एयर जाती है, वापस नहीं आती, जाती है प्लूरल स्पेस में, लेकिन एक्सपायरेशन पे उससे बाहर नहीं आती। तो इस तरह वेरी लार्ज अमाउंट, कई लीटर्स ऑफ एयर कैन बी ट्रैप्ड इनटू द प्लूरल स्पेस। तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, क्योंकि इससे जो है वो सर्कुलेटरी फेलियर, हाइपोक्सिया, लंग कोलैप्स, कंप्रेशन ऑफ अदर लंग, ठीक है, एक प्लूरल स्पेस में इतनी एयर है, वो लंग तो कोलैप्स हो ही गया, लेकिन प्रेशर डाल के वो दूसरे लंग को भी जो है वो कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर रही है। तो वजह क्या है कि छोटी कम्युनिकेशन है जो न्यूमोथोरिक्स कर रही है, और इट एक्ट एज वन वे वेल्व, एयर जा रही है प्लूरल स्पेस में लेकिन बाहर किसी सूरत नहीं निकल रही। तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर कैन बी ट्रैप्ड, और प्रेशर ऑन द डिफ्लेटेड लंग एंड मीडियास्टिनल शिफ्ट टू द अपोजिट साइड, रिजल्टिंग इन कंप्रेशन ऑफ द अदर लंग, हाइपोक्सीमिया, डिक्रीज्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी, सर्कुलेटरी फेलियर। इट्स अ मेडिकल इमरजेंसी एंड प्रेशर शुड बी रिलीज यूजिंग अ लार्ज बोर नीडल। तो जल्द अज जल्द जो है मेडिकल इमरजेंसी है, और इमरजेंसी में ऐसे पेशेंट को चेस्ट ट्यूब डाली जाती है टू रेस्क्यू द पेशेंट। तो इट्स अ मेडिकल इमरजेंसी, टेंशन न्यूमोथोरिक्स, ठीक है जी। कम्युनिकेशन जो न्यूमोथोरिक्स कर रही है वो स्मॉल है। अच्छा जी, इसका जो ऑनसेट है यूजुअली सडन होता है, सडन डिस्निया होता है, सडन ब्रेथलेसनेस होती है, ठीक है, और सीवियर केसेस में ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, एक्सट्रीमिटीज, टिप ऑफ नोज, टंग, एयर लोब्यूल, यानी कि साइनोसिस, ब्लूइश डिस्कलरेशन को साइनोसिस बोलते हैं। तो इंक्रीजिंग डिस्निया ब्रेथलेसनेस टाइम के साथ ज़्यादा से ज़्यादा होती जाती है, और सीवियर केसेस में साथ में साइनोसिस भी होता है। इसके अलावा चेस्ट पेन होती है, ऑनसेट इज यूजली सडन, एकदम से निमोथोरिक्स होता है, और ब्रेथलेसनेस होती है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है, जो कि टाइम के साथ ज़्यादा होती जाती है, साइनोसिस भी हो सकता है सीवियर केसेज में, और चेस्ट पेन ऑन द अफेक्टेड साइड ऑफ चेस्ट होती है। तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ। अच्छा, एक्सरे पे अब कहानी क्लियर हो जाती है, ये हमें एज जो है वो डिफ्लेटेड लंग का, क्लैप्स लंग का हमें एज नज़र आ जाता है एक्सरे के ऊपर, और हमें पता चल जाता है कि न्यूमोथोरिक्स है। तो एक्सरे पे डायग्नोसिस क्लियर हो जाता है, लेकिन सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड चाहिए होते हैं कॉज फाइंड आउट करने के लिए पाँच दफ़ा, ठीक है। तो ये इन्वेस्टिगेशन ही मैनेजमेंट में क्या करना है, जो छोटा या लेस देन 50% वॉल्यूम को, लेस देन 50% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द हेमीथोरिक्स के बराबर न्यूमोथोरिक्स है, उसके लिए हम कंजर्वेटिव मैनेज करेंगे, लेकिन इसकी शर्त ये होनी चाहिए कि पेशेंट को सिम्टम्स ना हो, पेशेंट ब्रेथलेस ना हो, पेशेंट डिस्निक ना हो, तो फिर हम जो है वो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। स्मॉल जो स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरिसिस हैं, डू नॉट ऑलवेज रिक्वायर ट्रीटमेंट, एज के वो रेस्पिरेटरी फेलियर तक नहीं जाते, या टेंशन न्यूमोथोरिक्स अगर नहीं है तो फिर भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, अगर स्मॉल न्यूमोथोरिक्स है तो। स्मॉल न्यूमोथोरिक्स हम किसको कहेंगे कि एस्टिमेटेड साइड ऑफ द साइट, एस्टिमेटेड साइज ऑफ द न्यूमोथोरिक्स इज स्मॉल, लेस देन 50% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द हेमीथोरिक्स, एंड देर इज नो क्लिनिकल फीचर्स, देर इज नो डिस्निया, देर इज नो ब्रेथलेसनेस, देर इज नो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, एंड देर इज नो अंडरलाइंग लंग डिजीज। तो इन सूरतों में हम कंजर्वेटिव पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए कंजर्वेटिवली मैनेज कर सकते हैं। अब एस्पिरेशन किन पेशेंट्स में करनी है, जिनमें टेंशन न्यूमोथोरिक्स सस्पेक्ट करी है उनमें ज़रूर एस्पिरेशन करनी है, जिसमें आप जो है वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर इज ट्रैप्ड इनटू द प्लूरल कैविटी, उसमें ज़रूर एस्पिरेशन करनी है। इन लार्ज प्राइमरी स्पॉन्टेनियस
निमोथोरेसिस और इन प्राइमरी जो है वो सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस निमोथोरेसिस जिसके साथ ब्रेथलेसनेस यानी क्लिनिकल फीचर पेशेंट डिस्निक है, पेशेंट जो है वो उसको डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग है या टेंशन निमोथोरिक्स आप सस्पेक्ट कर रहे हैं तो फिर एस्पिरेशन ज़रूर करनी चाहिए। और इसमें क्या करते हैं कि आप स्किन को लोकल एनेस्थेटिक लगा के सिरिंज के जरिए तो सुन कर लेते हैं, एनेस्थेटाइज कर लेते हैं एंड देन उस एनेस्थेटाइज जगह में से इंसर्ट अ नीडल, जो एक नीडल इंसर्ट करके तो एयर जो है वो निकालते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा अंडरलिंग डिजीज ट्यूबरक्लोसिस है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, लंग एब्सेस है, एस्थमा है, सीओपीडी है, जो भी अंडरलिंग डिजीज है जिसने ये किया है उसका ट्रीटमेंट भी इमीडिएटली स्टार्ट कर देते हैं। अंडरलिंग डिजीज का ट्रीटमेंट भी हमेशा फ़ौरन स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, एक टर्म है रिकरेंट निमोथोरिक्स। आपने पेशेंट आया उसका निमोथोरिक्स था, आपने ट्रीट किया, घर भेज दिया, फिर आ गया निमोथोरिक्स है, फिर ट्रीट किया, घर भेज दिया, फिर आ गया। ठीक है, यानी तीसरी दफ़ा मरीज जो है उसको पहले दो दफ़ा निमोथोरिक्स जो है वो हो चुका है या इससे ज़्यादा दफ़ा हो चुका है, तो अब आप क्या करेंगे? अब सारी ज़िंदगी वो निमोथोरिक्स से तो नहीं ट्रीट कराता रहेगा, एक दफ़ा बच गया, दूसरी दफ़ा बच गया, तो अब आप उसकी, आपके पास क्या ऑप्शन है ऐसे पेशेंट के लिए जो रिकरेंट निमोथोरिक्स के साथ आता है? ऐसे पेशेंट के लिए आपके पास ऑप्शन है प्लूरोडीसिस। दिस इज योर वाइवा क्वेश्चन, व्हाट इज प्लूरोडीसिस? दिस इज योर वाइवा क्वेश्चन, व्हाट इज प्लूरोडीसिस? तो प्लूरोडीसिस, व्हाट इज प्लूरोडीसिस? प्लूरोडीसिस ये है कि हम ऑब्लिट्रेट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, बंद कर देते हैं प्लूरल स्पेस को। कैसे? उसमें कोई केमिकल डाल के या सर्जरी के जरिए प्लूरल स्पेस को बंद कर देते हैं, ऑब्लिट्रेट कर देते हैं, ताकि ना प्लूरल स्पेस होगी, ना उसमें एयर एक्यूमुलेशन होगी, ना निमोथोरिक्स होगा। तो दिस इज कॉल्ड प्लूरोडीसिस। या तो कोई केमिकल डाल के फाइब्रोसिस करा के, इन्फ्लामेशन करा के प्लूरल स्पेस को बंद कर दिया या थ्रू सर्जरी कर दिया। तो प्लूरोडीसिस इज द ऑब्लिट्रेशन ऑफ प्लूरल स्पेस फॉर द पेशेंट्स ऑफ रिकरेंट न्यूमोथोरिक्स। ठीक है जी। आगे हैं जी रिबकेज एबनॉर्मैलिटीज। रिबकेज एबनॉर्मैलिटीज जो है उसमें दो हम पढ़ेंगे, पेक्टस एक्सकवेटम एंड पेक्टस कैरिनेटम। पेक्टस एक्सकवेटम ये है कि स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी ऑफ द रिबकेज है, जिसमें स्टर्नम और रिब्स जो हैं वो एबनॉर्मली इनवर्ड इन ड्रॉइंग होती है, उनकी पुश्ड इन साइड होती है। तो इट कैन इंटरफेयर विद द नॉर्मल कार्डियोरेस्पिरेटरी फंक्शन। इतना ज़्यादा स्टमक, स्टर्नम और जो है वो रिब्स जो हैं वो अंदर को धंसी हुई हैं, दे आर इन ड्रॉन, दे आर देर इज इन ड्रॉइंग ऑफ द स्टर्नम एंड रिब्स, सो इट कैन अफेक्ट द कार्डियोरेस्पिरेटरी फंक्शन एज वेल। सो ये एडल्ट्स में भी हो सकता है और एज अ बर्थ डिफेक्ट भी हो सकता है। पेक्टस एक्सकवेटम इज द स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी ऑफ द एंटीरियर थोरेसिक वॉल, इन द स्टर्नम एंड रिब केज आर शेप्ड एबनॉर्मली। This produces a sunken appearance of the chest. It can either be present at birth or after puberty, and it can affect the cardiorespiratory normal functioning. दूसरी क्या है जी? chest deformity, pectus carinatum, इसको हम pigeon chest भी कहते हैं। आप सबने कबूतर की, pigeon की जो chest है वो देखी है कि वो किस तरह बाहर को होती है, तो इसलिए इसको pigeon chest भी कहते हैं। इसमें sternum और ribs जो हैं they are pushed outward. ठीक है जी। देर इज प्रोट्रूजन, एबनॉर्मल प्रोट्रूजन ऑफ द स्टर्नम एंड रिब केज। तो ये जो है एक बहुत बड़ी कॉस्मेटिक जो है वो डिफॉर्मिटी है पेशेंट के लिए, और नॉर्मल हार्ट और लंग्स की डेवलपमेंट तो नॉर्मल होती है, ये भी बाय बर्थ भी हो सकती है, और रिकेट्स के पेशेंट्स, रिकेट्स वाले बच्चों में ये आफ्टर बर्थ भी हो सकती है।
तो ये भी हार्ट और लंग की नॉर्मल फंक्शनिंग के साथ जो है वो इंटरफेयर कर सकती है। और इसका एक बहुत बड़ा मसला ये है कि इससे हमारे रेस्पिरेटरी मसल्स जो नॉर्मली हम रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हैं उनको यूज़ करने में प्रॉब्लम होता है। तो पेशेंट विल यूज़ एसेसरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन। पेशेंट जो है वो एसेसरी मसल्स यानी स्केलिनाई और ये जो है दूसरे एसेसरी स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड, तो ये पेशेंट के जो हैं जैसे सीवियर एस्थमा वाले पेशेंट के बड़े बड़े हुए होते हैं कि पेशेंट जो है वो हाइपरट्रॉफी हुए हुए होते हैं, कि पेशेंट एस्थमा का जो है वो एसेसरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन यूज़ करता है फॉर रेस्पायरेशन। ज़ाहिर सांस तो अब मरीज ने लेना ही है, तो इसमें भी जो है वो नॉर्मल मसल्स जो यूज होते हैं रेस्पिरेशन में, उसके अलावा पेशेंट जो है वो जो नॉर्मली यूज़ नहीं होते दैट आर कॉल्ड असेसरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन उनको यूज़ करता है रेस्पिरेशन के लिए, और स्ट्रेनस एक्सरसाइज में तो उनको बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये मसला हो सकता है और कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शन भी डिस्टर्ब हो सकता है। उनके अच्छे फंक्शन में ये चीज़ रुकावट का बाइस बन सकती है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी रेस्पिरेटरी फेलियर। रेस्पिरेशन का क्या काम है कि ऑक्सीजन सेचुरेशन बॉडी में नॉर्मल पे मेंटेन रखे और कार्बन डाइऑक्साइड सेचुरेशन जो भी है वो भी नॉर्मल में मेंटेन रखे। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी में एक्यूमुलेट नहीं होनी चाहिए। एक अच्छी रेस्पिरेशन का, एक अच्छे लंग फंक्शन का क्या मकसद है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि बाय प्रोडक्ट है, एसिडिक गैस है, वेस्ट प्रोडक्ट है जो बन रही है बॉडी में मेटाबॉलिज्म के बाद, तो उसको जो है वो उसको बॉडी से बाहर निकालना रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है, और ऑक्सीजन को इंस्पिरेशन पे अंदर लेके आना, क्योंकि ऑक्सीजन के बगैर कोई भी जानदार तकरीबन खासतौर पर ह्यूमन जो है वो बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ऑक्सीजन जो है वो हमारे सारे एरोबिक मेटाबॉलिज्म्स के लिए ज़रूरी है, तो ऑक्सीजन को अंदर लेके आना और उसका एक एडिक्वेट लेवल बॉडी में मेंटेन रखना, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना और उसकी रिटेंशन को रोकना। ठीक है, एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी फंक्शन के, नॉर्मल रेस्पिरेटरी सिस्टम के ये फंक्शन है। तो जब ऐसा नहीं हो पाएगा दैट विल बी कॉल्ड रेस्पिरेटरी फेलियर, जिसके दो टाइप्स हैं। नंबर वन, टाइप वन रेस्पिरेटरी फेलियर, जिसमें सिर्फ एक मसला होता है। क्या रेस्पिरेटरी फंक्शंस थे? दो, कि कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन को रोकना, कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स को, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल के लेवल्स को नॉर्मल रखना, और ऑक्सीजन को जो है वो अंदर लेके आना और ऑक्सीजन के लेवल्स जो है वो बॉडी में नॉर्मल लेवल पे 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से लाजमी लाजमी ऊपर रखना। ठीक है, तो ये दो रेस्पिरेटरी फंक्शन थे। अब जब एक फंक्शन लॉस हो जाएगा कि ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो जाएगी, हाइपोक्सीमिया हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि टाइप वन रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया। ठीक है जी, इट इज़ एन एक्यूट हाइपोक्सीमिक फेलियर, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉर्मल। अच्छा, अब इसमें एक प्रॉब्लम है कि हाइपोक्सीमिया, एक मसला है जो कि है हाइपोक्सीमिया। हाइपरकैपनिया नहीं है, देर इज नो हाइपरकैपनिया। हाइपरकैपनिया मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन। तो इसमें टाइप वन रेस्पिरेटरी फेलियर में सिर्फ एक प्रॉब्लम है, दैट इज हाइपोक्सीमिया, देर इज नो हाइपरकैपनिया। ठीक है जी, और ये मोस्टली उन डिजीज में होती है जो लंग टिश्यू को डैमेज करती है। मसलन सीवियर ब्रोंकियल एस्थमा कैन कॉज टाइप वन रेस्पिरेटरी फेलियर, बट इन लाइफ थ्रेटनिंग केसेस इट कैन कॉज टाइप टू रेस्पिरेटरी फेलियर एज वेल। इसके अलावा एक्यूट एग्जेसरबेशन ऑफ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। नेक्स्ट लेक्चर में हम COPD के बारे में पढ़ेंगे। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिजीजेस, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइजीमा। COPD क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ये भी टाइप वन रेस्पिरेटरी फेलियर करती है और टाइप टू भी कर सकती है। सो मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर आर सीवियर ब्रोंकियल एस्थमा एंड COPD। ठीक है, इसके अलावा नमोनिया, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर या कोई भी पल्मोनरी एडिमा की कॉज, पल्मोनरी एम्बोलिज्म अगर हो जाता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाता है। ये क्या है जी, कि हमारे जो एल्वियोलाई हैं उनके अंदर सर्फेक्टेंट कम है, ज़्यादातर ये प्री मेच्योर इन्फेंट्स में होता है, टर्म इन्फेंट्स में बहुत कम, इसका 1% सिर्फ रिस्क है, प्री मेच्योर इन्फेंट्स में ज़्यादा रिस्क है, और एडल्ट्स में भी हो सकता है बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हेलाइन मेम्ब्रेन डिजीज, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्टेंस सिंड्रोम, डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इसमें एल्वियोलाई के अंदर सर्फेक्टेंट नहीं होता, तो एल्वियोलाई जब एक्सपायरेशन में बंद होते हैं तो वो इंस्पायरेशन में पूरी तरह खुल नहीं पाते, सर्फेक्टेंट कम। एल्वियोलाई की जो दीवारें हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं, कोलैप्स कर जाती हैं, और वो इंस्पायरेशन में कंप्लायंस लंग की कम हो जाती है, इंस्पायरेशन में खुल नहीं पाता एल्वियोलस जो है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लेस अमाउंट ऑफ सर्फेक्टेंट इन प्री मेच्योर इन्फेंट्स में अगर बात करें तो। इसके अलावा न्यूमोथॉरिक्स अभी हमने पढ़ा है, तो ये सारी डिजीजेस कैन डैमेज द लंग टिश्यू।
ये या तो लंग टिश्यू को डैमेज कर रही हैं, या एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो रही है, एक्युमुलेशन ऑफ एयर हो रही है प्लूरल कैविटी में, तो उस पर लंग्स पे प्रेशर पड़ रहा है, तो फिर क्या होगा, एडिक्वेट लेवल ऑफ ऑक्सीजन कैन नॉट बी मेंटेन, हाइपोक्सीमिया नंबर वन प्रॉब्लम, हाइपोक्सीमिया टाइप वन रेस्पिरेटरी फेलियर। ठीक है जी, तो इसमें जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हम अगर देखें तो लेस देन 60 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम चेक करें तो वो नॉर्मल होगा या डिक्रीज्ड होगा, इवन पीएच नॉर्मल होगी, बाइकार्ब नॉर्मल होगा। अच्छा जी, ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग डिजीज करनी है, और अगर अंडरलाइंग डिजीज ऐसी है कि फौरन से पहले ट्रीट नहीं हो सकती तो फिर जो है वो ट्रिकल इंट्यूबेशन भी करनी पड़ सकती है, मैकेनिकल वेंटिलेशन यानी पेशेंट को वेंटिलेटर पर डालना पड़ सकता है। अच्छा, बाकी हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन तो देनी ही है और नेजल मास्क से, क्योंकि हाइपोक्सीमिया है तो उसको ट्रीट करने के लिए। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे डिजीजेस में हम ओपिएट्स देते हैं टू एस पेन रिलीफ, ठीक है, और हम देते हैं एनजाइटी रिलीफ करने के लिए, लेकिन सीओपीडी और अस्थमा के पेशेंट्स को कभी भी ओपिएट्स नहीं देने। क्यों? ये जो ओपिएट्स हैं दे ब्लॉक द रेस्पिरेटरी सेंटर इन मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, दे ब्लॉक द रेस्पिरेटरी सेंटर इन मेडुला ऑब्लॉन्गेटा दीज ओपिएट्स, एंड दे कैन कॉज रेस्पिरेटरी फेलियर, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। तो सीओपीडी और अस्थमा वाला पेशेंट तो पहले ही टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर और टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर में जाने के लिए, टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर जाने के लिए तैयार बैठा हुआ है, तो उसको ओपिएट्स दे के हम मेडुला को भी रोक दें रेस्पिरेशन से, तो ठीक है। सीओपीडी अस्थमा के पेशेंट्स को किसी भी वजह में ओपिएट्स नहीं देने, बिकॉज दे इंटरफेयर, दे ब्लॉक द रेस्पिरेटरी सेंटर इन मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। ठीक है, नेक्स्ट है जी टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर। इसमें जी दो मसले हैं, हाइपोक्सीमिया और हाइपरकैपनिया। ना सिर्फ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बॉडी में कम है, लेस देन 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है, बल्कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है वो बॉडी में ज्यादा है। देर आर टू प्रॉब्लम्स टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर, देर आर टू प्रॉब्लम्स, हाइपोक्सीमिया एंड हाइपरकैपनिया लीडिंग टू सीवियर। अब देखें, ऑक्सीजन अंदर आने नहीं दे रहा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाने नहीं दे रहा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एसिडिक गैस है, उसकी जब रिटेंशन होगी एसिड बॉडी में जमा होगा, और ये सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से हो रहा है, तो हम इसे क्या करेंगे, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, एसिडिक गैस अंदर जमा हो रही है, पीएच डाउन होगी, पीएच लो होगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द कॉज, सो इट विल बी इट कैन लीड टू रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है जी, वो डिजीजेस जो एल्वियोलर वेंटिलेशन के साथ इंटरफेयर करती हैं, ये जिनमें एल्वियोलर वेंटिलेशन, एल्वियोलाई आर नॉट एबल टू टेक अप द ऑक्सीजन एंड एक्सक्रीट द कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड द बॉडी, तो उनमें ये मसला होता है। मसलन सीओपीडी इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर, सो दिस इज ऑल्सो अगेन योर वाइवा क्वेश्चन। अगर आपसे पूछा जाए कि वट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर, वट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर, देन आप कहेंगे सीओपीडी। इसके अलावा डिप्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर इन मेडुला बाय नारकोटिक्स एंड सेडेटिव्स, ठीक है जी, तो ये भी दोबारा से वो कॉज आ गई कि मेडुला में ओपिएट्स ने रेस्पिरेटरी सेंटर को ब्लॉक कर दिया, डिप्रेस कर दिया, क्यों, नारकोटिक्स की वजह से, सेडेटिव्स की वजह से, तो इट कैन लीड टू टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर। तो ये पेशेंट तो पहले ही उसमें जाने के लिए तैयार है, तो आपने इसको ओपिएट्स नहीं देने। रेस्पिरेटरी मसल जो है वो सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग अस्थमा में बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गए हैं, पेशेंट सांस ले ही नहीं पा रहा, टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर, रेस्पिरेटरी मसल्स का पैरालिसिस हो गया भाई, पैरालिसिस ही हो गया, वो डायफ्राम का, रेस्पिरेटरी मसल का पैरालिसिस हो गया, गिलियन बार सिंड्रोम, तो इसमें पेशेंट को थोड़े दिनों के लिए वेंटिलेटर पर डालना पड़ता है। रिब फ्रैक्चर, सीवियर पेन, पेशेंट अपनी चेस्ट को मूव ही नहीं कर सकता, टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर, फॉरन बॉडी इनहेल कर ली है, देर इज समथिंग इन ट्रैप्ड इन द ट्रिकिया, टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर। ठीक है जी, ए बी जीज कराएंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कम होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हाई होगा, देर आर टू प्रॉब्लम्स, ये भी नहीं ठीक और ये भी नहीं ठीक, पीएच जो है वो लो होगी क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन जब होगी तो ये एक एसिडिक गैस है, पीएच लो होगी, बाइकार्ब इसमें भी नॉर्मल होगा। ठीक है जी, मैनेजमेंट में ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग कॉज और मैकेनिकल वेंटिलेशन इफ द कॉज इज नॉट इमीडिएटली रिवर्सिबल, इसके अलावा एयरवे को सारा टाइम मेंटेन रखा जाए, रेगुलर सक्शन की जाए ताकि सिक्रीशंस जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जमा होके इन्फेक्शन ना करें, चेस्ट फिजियोथेरेपी की जाए बहुत से तरीके से, और जी मोस्ट कॉमन कॉज चूंकि टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर की जो है वो सीओपीडी है, इसलिए सीओपीडी का ट्रीटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि लो कंसंट्रेशन ऑक्सीजन दें, ब्रोंकोडायलेटर्स दें, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दें, देयर इज इन्फेक्शन,
एंड डायूरेटिक्स, तो दिस इज द मैनेजमेंट ऑफ मोटी मोटी मैनेजमेंट ऑफ सीओपीडी, तो इसलिए इसको यहाँ पे लिखा गया है बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस नंबर वन कॉज ऑफ टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर इज सीओपीडी. तो ये सब चीज़ें. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी चेस्ट इंजरीज. जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं किसी भी वजह से चेस्ट इंजरीज होती हैं, उनमें जो जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की वजह से या इंजरी की वजह से डेथ्स होती हैं, उनमें 25% डेथ्स चेस्ट इंजरीज की वजह से होती है. और ये जो है मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हो सकते हैं या गन शॉट इंजरीज हो सकती हैं या स्टैब वूंड हो सकते हैं, ब्लंट इंजरी भी हो सकती है और शार्प इंजरी भी हो सकती है. तो ये इंजरी जो है वो क्या कर सकती है, कौन कौन सी चीज़ को अफेक्ट कर सकती है. चेस्ट वॉल इंजरी हो सकती है. कंटूजन्स का मतलब है कि ब्लंट इंजरी की वजह से जब नील पड़ जाता है तो उसको कंटूजन कह सकते हैं. हीमाटोमा का मतलब है कलेक्शन ऑफ ब्लड जब हो जाती है किसी कैविटी में या टिश्यू में तो उसको हीमाटोमा कहते हैं. रिब फ्रैक्चर हो सकता है. फ्लेल चेस्ट क्या है, इट्स अ लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल कंडीशन. इसमें क्या होता है कि ये यहाँ पे आप देखें रिब का एक सेगमेंट ही टूट के लैदा हो जाता है. ये रिब का डबल फ्रैक्चर है. रिब जो है वो 1, 2, 3, 4, 5 रिब जो हैं वो यहाँ से भी टूट गई हैं और यहाँ से भी टूट गई हैं. ठीक है जी, डबल फ्रैक्चर, एक ही रिब का दो जगह से फ्रैक्चर हो गया, यहाँ से भी यहाँ से भी, यहाँ से भी सारी रिब्स टूट गई हैं यहाँ से. तो ये जो सेगमेंट है ये एक अलहदा सेगमेंट चेस्ट का बन जाता है. ये सीवियर चेस्ट इंजरी है और ये लाइफ थ्रेटनिंग चेस्ट इंजरी है और ये जो है वो टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर कर सकती है और ये लाइफ थ्रेटनिंग चेस्ट इंजरी है. फ्लेल चेस्ट, अब क्या होगा कि इसमें जो है वो इंस्पायरेशन में जब सारा चेस्ट जो है वो बाहर मूव करेगा, ये सेगमेंट अंदर मूव करेगा. बाकी चेस्ट से अलहदा हो गया ना ये सेगमेंट, तो बाकी जो है वो एक्सपायरेशन में जब सारा चेस्ट अंदर मूव करेगा तो ये सेगमेंट बाहर मूव करेगा. तो इसकी जो मूवमेंट्स हैं वो ऑपोजिट टू द रेस्ट ऑफ द चेस्ट वॉल होंगी और इसको हम कहेंगे पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट्स. पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट्स, तो ये है फ्लेल चेस्ट जो कि लाइफ थ्रेटनिंग चेस्ट इंजरी है. अच्छा जी, फ्लेल चेस्ट के अलावा स्टर्नल फ्रैक्चर हो सकता है, फ्रैक्चर ऑफ द शोल्डर गर्डल हो सकता है. जैसे कहा है ना कि 25% डेथ्स जो हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में या इंजरी की वजह से जो डेथ्स होती हैं उनमें 25% डेथ्स चेस्ट इंजरी की वजह से होती है. इसके अलावा अगर लंग को इंजरी हो तो पल्मरी कंटूजन हो सकती है, पल्मरी लेसरेशन, लंग के ऊपर लेसरेशन शार्प कट लग सकता है. न्यूमोथॉरिक्स यानी एयर इन द प्लूरल कैविटी, हीमोथॉरिक्स ब्लड इन द प्लूरल कैविटी, हीमोनिमोथॉरिक्स ब्लड भी है एयर भी है प्लूरल कैविटी में. ठीक है जी, कार्डियक इंजरी में पेरिकार्डियल टेम्पोनाड फ्लूड इन द पेरिकार्डियल कैविटी, मायोकार्डियल कंटूजन, मायोकार्डियम को चोट लगी है कंटूजन, ट्रामेटिक अरेस्ट, तो जो सडन स्पॉट डेथ्स होती हैं इस तरह कार्डियक रप्चर ट्रामा की वजह से अरेस्ट ही हो गया कार्डियक अरेस्ट, हीमो पेरिकार्डियम ब्लड इन द पेरिकार्डियल कैविटी, इंजरी टू द एयर वे ट्रेक्योब्रोंकियल टीयर ब्लड वेसल को इंजरी, एओटा रप्चर हो गया, थोरेसिक एओटा को इंजरी हो गई, इसोफेगस को इंजरी हो गई, डायफ्राम को इंजरी हो गई. तो चेस्ट इंजरीज में ये सारी चीज़ें आ सकती हैं. इनको अब हम डायग्नोज कैसे करेंगे, जो ब्लंट इंजरीज हैं जो शार्प इंजरीज हैं वो तो पेशेंट को जल्दी से डिटेरियोरेट करती हैं, उनकी सर्जरी की जाती है और वो अगर टाइमली उनकी सर्जरी हो जाए टाइमली पकड़ी जाए तो पेशेंट जल्दी से फिर ठीक भी हो जाता है. लेकिन जो ब्लंट इंजरीज होती हैं उनके लिए सीटी स्कैनिंग करानी पड़ती है और वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होती हैं. ठीक है जी, तो मोस्टली जो इंजरीज हैं उनमें अब पल्मोनरी इंजरी है तो पल्मोनरी सिस्टम यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम काम तो नहीं करेगा, तो हमें ट्रेकियल इंट्यूबेशन और मैकेनिकल वेंटिलेशन जो है वो करनी पड़ेगी. इसके अलावा अगर न्यूमोथॉरिक्स है, हीमोथॉरिक्स है, हीमोनिमोथॉरिक्स है तो चेस्ट ट्यूब इंसर्ट करनी पड़ेगी. ठीक है, एक्सरे पे पता चल जाएगा क्या है उसके मुताबिक. ठीक है, ब्लंट इंजरीज के डायग्नोसिस ज़्यादा डिफिकल्ट होता है और उसके लिए सीटी स्कैनिंग करानी पड़ती है. ठीक है जी, पेनिट्रेटिंग इंजरीज ऑफन रिक्वायर सर्जरी एंड कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन आर यूली नॉट नीडेड टू कम टू अर डायग्नोसिस. पेशेंट्स विद पेनिट्रेटिंग ट्रामा मे डिटेरियोरेट रैपिडली बट मे रिकवर मच फास्टर देन पेशेंट्स विद ब्लंट इंजरी अगर उनका टाइमली ट्रीटमेंट हो जाए तो. दैट वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर. प्लीज आस्क इफ एनी क्वेश्चन. एनी क्वेश्चन बेटा? अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम अस्सलाम जी बेटा. मैम आप ऑफिस में अवेलेबल है आज? हाँ जी बिल्कुल, मैं ऑफिस में. कब तक अवेलेबल है? मेरा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो 2 बजे है, 2 बजे तक, 12 से 2 बजे तक मैं ऑफिस में हूँ, उसके बाद 2 से 3 मेरा लेक्चर है. ओके मैम. 2 बजे के दरमियान जिसने आना है किसी काम से वो आ जाए. अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम अस्सलाम जी बेटा.
जी मैम, मेरे नंबर्स नहीं लगे, मैंने आपको बताया था, आपने नाम भी नोट किया था, मैंने इजला लेता अच्छा क्विज के जी। मार्क्स नहीं जी लगे। जी जी अच्छा ठीक है, तो आप कल आए हुए थे, उधर बैठे हुए थे, तो आपने मुझे बताया नहीं। नहीं मैम, मैं परसों आया था तो मैंने वहां पे काफी देर वेट किया, लेकिन आप नहीं मिला। नो पहला व्हाइट सूट नहीं पहन के आए थे? नहीं मैम, कल तो मैं नहीं आया, कल नहीं आया था मैम। अच्छा चलिए ठीक है, मुझे लगा, चलिए ठीक है लगा देते हैं। हाँ, और मैम मैम मैं यहाँ कभी पे बात कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में एक दो कर, वार्ड आया था, उसको बता दें। हाँ जी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट किस चीज की? निमोथोरिक्स की? जी, यहाँ पे के पहले वार्ड आया था यहाँ पे कहीं पे जी, स्पॉन्टेनियस उसका था मैम, मेरे ख्याल से प्राइमरी स्पॉन्टेनियस। हाँ जी, वो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट यही है कि जिसमें आपने, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट आप उसको कहते हैं ना जिसमें आपको इंटरवेंशन नहीं करते। ठीक है जी, इंटरवेंशन क्या है कि हम यहाँ पे, इंटरवेंशन ये है कि हम चेस्ट ट्यूब डाल के तो एयर को एस्पिरेट करें, बाहर निकालें चेस्ट कैविटी में से। अगर हम वो नहीं करेंगे तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि ट्रीटमेंट थ्रू मेडिसिन मॉनिटरिंग। ठीक है, हम कोई प्रोसीजर अगर ना करें तो हम उसको कहते हैं कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे कंजर्वेटिव मैम किसकी है कि जिसमें निमोथोरेक्स जो है उसका वॉल्यूम अगर कम है तो उसको हम कहेंगे कि इसकी हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करेंगे। निमोथोरेक्स का वॉल्यूम कम है और निमोथोरेक्स इज नॉट लीडिंग टू ब्रेथलेसनेस, क्लिनिकल फीचर्स नहीं है, पेशेंट को कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो फिर हम कहेंगे कि कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हम। ठीक हो गया थैंक यू जी बेटा? मैम, ये क्विज के मार्क्स वाला और भी बड़े बच्चों का इशू है। हम आए थे लेकिन आप नहीं थी ऑफिस में, तो मुझे सब मैसेज कर रहे हैं, वो ग्रुप है ना व्हाट्सएप वाला, तो उसमें मुझे सब मैसेज कर रहे हैं कि मैम को आप बोल दो। तो आपको मेल्स भी किए हैं तो आप देख आप लीजिए, तो अभी अभी आप मेल भेज दो, अभी मैं देख लेती हूँ। ठीक है, मैं सबके नाम लिख के भेज दूँ आपको। हाँ सबके नाम लिख के भेज दो। ओके मैम, थैंक यू। ओके।